अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, मैं यह कहूंगा कि अभी अभी पेश किया हुआ बजट ये अमृत काल का सर्वजन हिताय इस प्रकार का बजट है। इस बजट में जो लोग विकास में पिछड़े हैं, हमारे युवा हैं, हमारे किसान हैं, हमारे छोटे उद्योग हैं, हमारे मिडिल क्लास है, ऐसे सभी को मद्देनजर रखते हुए इस बजट की रचना की गई है और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 10 लाख करोड़ का निवेश ये अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है। और इसके साथ साथ रेलवे में करीब 2,30,000 करोड़ का निवेश, अगर इसकी तुलना 2013-14 से की जाए तो 9 गुना ज्यादा निवेश रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार कर रही है। इसके कारण हमारे विकास की गति बढ़ने में एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ विशेष रूप से राज्यों को करीब 1,30,000 करोड़ रुपया 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाना राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। विशेष रूप से खेती किसानी के मामले में खेती किसानी को मात्र सब्सिडी तक सीमित न रखते हुए उसमें बड़े पैमाने पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करना और उसको मार्केट के साथ जोड़ना, ये जो चीजें इसमें की गई है। ऋण को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। विशेष रूप से स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण ये इसमें किया गया है और भारत को मिलेट्स का ग्लोबल हब, मिलेट्स को श्री अन्न कहा गया है, श्री अन्न का ग्लोबल हब इस रूप में डेवलप किया जा रहा है। गरीबों के लिए यह भी बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, इसको भी एक साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। इसके साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पैक्स का सक्षमीकरण करते हुए उनको मल्टीपर्पज सोसाइटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। विशेष रूप से मैं महाराष्ट्र की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और विशेष रूप से सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये जो निर्णय लिया गया है, इससे पहले शुगर इंडस्ट्री को इनकम टैक्स लगता था, 2016 से इनकम टैक्स मोदी सरकार ने समाप्त किया, लेकिन 2016 से पहले का 10,000 करोड़ का बकाया इनकम टैक्स विभाग ने निकाला था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 2016 से पहले जो भी एफआरपी पर यानी गन्ने के खरीद का भुगतान जो किया गया उसको एक्सपेंडिचर में गिना जाएगा। इसके कारण ये सारे के सारे लोग इनकम टैक्स से मुक्त हुए हैं और पिछले 20 साल से लगातार महाराष्ट्र केंद्र सरकार के पीछे था कि इनकम टैक्स से इस उद्योग को मुक्त कीजिए, उसको मुक्त किया गया है। इसका गन्ना किसानी करने वाले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और साथ साथ उनको ज्यादा रेट मिलने में भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ साथ जो आदिवासियों में प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसके लिए जो योजनाएं तैयार की गई है, या फिर युवाओं के लिए
स्किलिंग के तहत इंडस्ट्री 4.0 में जो योजनाएं तैयार की गई है, ये सारी योजनाएं विशेष रूप से रोजगार निर्मिति करने वाली, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने वाली इस प्रकार की योजनाएं हमको दिखाई पड़ती है। एनर्जी ट्रांजिशन के एक सेक्टर में विशेषता ग्रीन एनर्जी की तरफ जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, मुझे लगता है दुनिया में इतना फास्ट ट्रांजिशन किसी और देश ने आज तक अपने विचारों में नहीं लाया और उसमें भी बहुत बड़ा निवेश किया है और उसी का एक भाग इस रूप में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग पर लाना, ये भी मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत बड़ी पहल ये सरकार की ओर से की जाने वाली है। इसके साथ साथ विशेष रूप से मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स के स्लैब में जो चेंज किया गया है और अब 5 लाख की जगह 7 लाख तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये घोषणा निश्चित ही हमारे मध्यम वर्ग को सुख देने वाली है। 9 लाख इनकम वाले को केवल 45,000 रुपया टैक्स लगेगा और 15 लाख इनकम वाले को मात्र 1.5 लाख इनकम टैक्स लगेगा। इस प्रकार से लोगों के हाथ में पैसा रहे और लोग उसको स्पेंड करें तो डिमांड बढ़ेगी, ये सूत्र को हाथ में रखते हुए या सामने रखते हुए जो निर्णय लिया गया है, इसका निश्चित ही हमारे सामान्य जन को और मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं ऐसा कहूंगा कुल मिलाकर ये जो बजट है ये सर्वजन हिताय इस प्रकार का बजट है और इस बजट का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।